मैं तो तुझे एक भी पल भूल ना पाऊं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों आर्मी के लिए राम सिंह यादव जी के बुक से हम प्रतिशत चैप्टर चला रहे हैं और आज उसी को कंटिन्यू करेंगे और प्रतिशत का यह सातवां वीडियो होगा। ठीक है दोस्तों, पार्ट वन से देखिए, पूरा समझ में आएगा, एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं होगा प्रतिशत से जो आपसे नहीं बनेगा, एकदम बनेगा ही डेफिनेटली। ठीक है दोस्तों, आज जो सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 61 से होगा। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। ठीक है तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है। 61 में क्वेश्चन कहता है, एक संख्या का 27.5% कम करने पर 87 हो जाती है, वह संख्या बता दीजिए। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। देखिए कोई संख्या में 27.5% कम कर दे रहा है ना, तो वह संख्या घटकर 87 पर चला रहा है, तो संख्या बता दीजिए। पढ़ चुके हैं ट्रिक भी और इसके कंसेप्ट भी, और कंसेप्ट भी आसान है। देखिए 87.5 कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होता है, यह बात हम सदियों से बोलते चले आ रहे हैं। तो बताइए 100% में 27.5 कम कर दिया तो इसका मतलब 72.5 बच गया। तो देखिए प्रतिशत में 72.5 बच गया, 72.5, आज जबकि रियल में बोला है कि 87 बच गया, तो दोनों कम है इसलिए बराबर। तो 100% का मान आपसे भैया पूछ लिया गया है, तो 87/72.5 और 100 का मान निकालना है तो 100 से गुना। आप ध्यान दीजिए, ये दशमलव हटाइएगा तो बट्टा में ऊपर एक जीरो जाएगा, ऊपर एक जीरो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक ही अंक है तो एक जीरो, दो अंक रहता तो दो जीरो। अब काट दीजिए, 5 से कटिएगा, 5 × 1 = 5, 5 × 20 = 25, 5 से कटिएगा 25 बार में, 5 से कटिएगा 20 बार में, और फिर कटेगा 100 × 7 = 700, 6 बार में कट जाएगा, 14 × 6 = 84 या 5 × 6 = 30 गुना करो 145, 6 × 6 = 35, 6 × 6 = 24, 3 × 27, 6 × 6 = 6, 2 = 8 आना गया, यानी इसे ही 6 बार में कर जाएगा, तो 20 × 20 = 100 यानी 120, वह संख्या जो है 120 है। आ ट्रिक भी बता दिए हैं, देख लीजिएगा पार्ट 1-2 में देख लीजिएगा। ठीक है तो आपका आंसर हो जाएगा 120, जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए, 200 रुपये का 40% प्लस 150 रुपये का 30% आंसर निकल जाएगा। देखिए 200 रुपये का 40% का मतलब गुना 40 और प्रतिशत के लिए बट्टा में 100 प्लस 150 का 30%, 150 का के मतलब गुना 30 और प्रतिशत के लिए बट्टा में 100, दो जीरो से दो जीरो कट गया, 40 × 80 प्लस 15 × 45, 8 × 4 = 12 हो गया 125। आपका आंसर 125 हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए ध्यान दीजिए 63 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक व्यक्ति सेवानिवृत्त होने के पश्चात प्रतिमा 9,500 रुपये पेंशन प्राप्त करता है, जो कि सेवानिवृत्त होने से पहले उसके वेतन का 40% है। सेवानिवृत्त होने से पहले उसका मासिक वेतन क्या था। दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है, बस इसका भाषा जो है ना थोड़ा उठपटांग है, नहीं तो आसान क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को देखिए किस भाषा में हम बोलते हैं, एक संख्या का 40% 9,500 है तो वह संख्या बता दीजिए, यही क्वेश्चन है। यहाँ सेवानिवृत्त कह दिया है बस, और कुछ नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है। सेवानिवृत्त होने, सेवानिवृत्त का मतलब है रिटायरमेंट। ठीक है देखिए, मान लेते हैं कि मेरा पिताजी नौकरी करते हैं और वो रिटायर पर से चले आए, नौकरी पर से चले आए घरे रिटायर होकर, तो रिटायर होकर चले आए तो कुछ ना कुछ पेंशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 10,000, 20,000, 5,000, 2,000 पेंशन मिलेगा ना। तो वही बोला है कि सेवानिवृत्त होने के बाद यानी रिटायर होने के बाद पेंशन के तौर पर उनको 9,500 रुपया आता है, जो कि सेवानिवृत्त मतलब कार्य जिस समय कार्यरत थे उसका 40% है। तो बता दीजिए सेवानिवृत्त होने से पहले उनका वेतन क्या था। तो ध्यान दीजिए, देखिए कैसे बनाते हैं, तो वही क्वेश्चन है। इसे क्वेश्चन के भाषा जो है ना आसान करने के लिए समझ लीजिए, एक संख्या का 40% 9,500 है तो उसका 100% बताया, मतलब संख्या बताया, मतलब 100% के मान। ध्यान दीजिए 40% का वैल्यू दिया है
पंचानवे सौ, कितना 9500। तो 100% का वैल्यू निकाल लीजिए, 9500 बटा में 40, 100 का मान निकलना है तो 100% 100 से गुना। अब देखिए 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 500 कटेगा 5, 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 से 14, 2 पंजे 10, 1 0, गुना कर लीजिए 95, इतना पचे इतना में 5 से, तो 0 50 25, 5 से 35, 2 37, 5 चौका 20, 3 23, यानी 23,350 रुपये आपका आंसर हो गया। और दोस्तों ट्रिक के लिए बताए थे, ट्रिक क्या बताए थे ऐसा क्वेश्चन का, जो वैल्यू दिया रहेगा उसको ऊपर लिख लीजिएगा, ऊपर लिख लीजिएगा, अब प्रतिशत वाला वैल्यू बट्टा में लिख दीजिएगा और 100 से गुना कर दीजिएगा। 20 दूनी 40 है, 20 50 है, 2 से कर देगा कितना बार में 47, 50 बार में गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 23,750 रुपया। यही आपका आंसर हो जाएगा जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान दीजिएगा। किसी संख्या में से उस संख्या का 40% घटा देने पर 30 प्राप्त होती है, वह संख्या क्या है? ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल क्वेश्चन है, प्रोसेस से बनाइए ना, कोई बात नहीं है। किसी संख्या, तक किसी संख्या कहने से पता नहीं चलता है, तो मान लीजिए एक्स संख्या, मान लीजिए एक्स, तो बोला है किसी संख्या में से उस संख्या का 40%, मतलब इसी संख्या का 40% के बट्टा में 100 घटाने पर, तो घटा दीजिए कितना प्राप्त होता है भैया, 30 प्राप्त होता है, तो बराबर लिख दीजिए 30, बस काम कर दीजिए, 20 दूनी 40, 20 50 है, लोग उत्तर ले लीजिए यहाँ, एक्स बट एक्स माइनस 2x बटा में 5 बराबर 30 हुआ, लघु उत्तम लीजिएगा तो 5 में x से गुणा कीजिए तो 5x, और 5x में से 2x जा जाएगा तो 3x बटा 5 बराबर 30, 3 से कटिएगा 10 बार में, 3 दही 30, और 1x बराबर 5 दही 50 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू 50 चला गया, यानी संख्या 50 आ गया। ठीक है दोस्तों, इसका भी ट्रिक बता चुके हैं, पहली वीडियो जाकर देख लीजिए। हाँ ठीक है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा कितना नंबर है, 64 नंबर है ना, 64 के आंसर हो जाएगा आपका, 64 के आंसर हो जाएगा कितना 50 आया है, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों यदि आप इसका इसको ट्रिक से बनाना चाहते हैं तो देखिए कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए क्या बताते हैं ट्रिक, जो संख्या देगा उस संख्या को लिख लेना है, ठीक है लिख लेना है, अब प्रतिशत वाला वैल्यू को 100 में से घटा लेना है, 100 में से घटा लेना है प्रतिशत वाला वैल्यू, तो प्रतिशत कितना है 40, तो 40 से घटा लेना है, अब 100 से गुना मार देना है, हो गया, यही ट्रिक हो गया। ठीक है यही ट्रिक हो गया, देखिए यहाँ 30 बटा में 60 गुने 100, 30 दूना 60, दूसरे कटेगा 50 बार में, देखे 50 आया कि नहीं, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है तो जो अच्छा लगेगा वो ले लीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, किसी संख्या में से 15 घटाने पर संख्या का 80% शेष रहता है, तो संख्या का 40% पर क्या होगा बताइए, ध्यान दीजिए दोस्तों, संख्या पता नहीं ना है, संख्या मान लीजिए x, किसी संख्या में से 15 घटाने पर, तो बस 15 को घटा दीजिए तो संख्या का 80% शेष रह जाता है, संख्या क्या है x, x का 80% बच जाता है, तो 80% बटा में 100, यानी दोनों वैल्यू बराबर है, 20 चौके 80 या 20 50 है, x माइनस 15 बराबर 4 में x से गुना तो 4x बट्टा 5, x वाला एक तरफ कर लीजिए तो x, 4x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, आई प्लस माइनस में उधर जाएगा बराबर उधर जाएगा तो प्लस में 15 हो जाएगा, अब गुना कीजिए 5 में x से गुना कीजिए तो 5x, अब 5x में से 4x गया था 1x हुआ, अब 5 भाग में उधर जाएगा तो गुना में x 15 5 75, संख्या चलाया 75, तो आपसे पूछा है कि संख्या का 40% बताइए, तो देखिए संख्या क्या है यहाँ बनाते हैं, 75 का 40% 40 अब प्रतिशत के बट्टा में 100 कर दीजिए यहाँ, 1 0 से 1 0, 5 दूना 10, 5 से कटेगा 15 बार में और 2 से कटेगा 2 बार में, 15 दूनी होता है कितना 30, आपका आंसर 30 हो जाएगा। ठीक है जो आपका ऑप्शन नंबर कितना 30, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान दीजिएगा। एक टोकरी में रखे आमों में से 20% खराब है, इस टोकरे में खराब आमों की संख्या 35 हो तो कुल आम कितने हैं?
क्वेश्चन सब एक ही है, थोड़ा भाषा इधर उधर बदल दे रहा है। देखिए यहाँ दोस्तों, प्रतिशत में 20% खराब हो गया और जबकि रियल में 35 को खराब हो गया। इसका मतलब है कि 20% के वैल्यू है कितना 35 है, तो 100% मान निकाल दीजिए, तो 20% खराब हो गया, प्रतिशत में 20% खराब हुआ और जबकि रियल में खराब आमों की संख्या 35 है। ये रियल वैल्यू बोला था, ये प्रतिशत वैल्यू, दोनों वैल्यू बराबर है, दोनों खराबे के वैल्यू है, ठीक है। तो 100% का मान निकाल दीजिए, 100% तो 35/20 अगुने 100, 20 25 है, 35 25 होता है 175, आपका आंसर 175 हो गया। अब कहिएगा कि सर जी इसमें ट्रिक बताइए, अरे भैया ये भी ट्रिक के ना है, तो कहला उठे में रहिएगा, ध्यान दीजिए भी ये भी ट्रिक है कि 35 नंबर है, 66 नंबर है। हाँ तो कहता क्या है, क्या कहता है ध्यान दीजिएगा, 66 है, एक टोकरी में रखे आमों में से 20% खराब है, यदि इस टोकरी में खराब आमों की संख्या 35 हो तो कुल आम बताइए। ध्यान दीजिए ट्रिक क्या है इसका, 35 और जो प्रतिशत में दिया रहता है वो बट्टा में लिखते हैं, तो प्रतिशत में 20 ना है तो 20 और 100 का मान निकल 100 से गुना, बस हो गया 20 25 है, अब 35 5 175 नहीं होगा, यही आंसर हो गया, ठीक है। तो ये भी तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 67 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान दीजिए। चीनी के मूल्य में 25% बढ़ गया, चीनी का मूल्य 25% बढ़ गया, बताओ कितने प्रतिशत चीनी की खपत में कमी की जाए ताकि खर्च न बढ़े। सब क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, पार्ट 5 देख लीजिएगा, यह फॉर्मूला पता चल जाएगा। देखिए कमी देगा तो वृद्धि पूछेगा, वृद्धि देगा तो कमी पूछेगा, तो यहाँ वृद्धि दिया है मतलब बढ़ गया मतलब वृद्धि हो गया, तो कमी पूछ दिया है कमी, तो फॉर्मूला तो पता होगा पार्ट 5 में देख लीजिएगा, ठीक है। तो कितना बढ़ गया है 25%, तो 25 ऊपर लिखिए और नीचा 100 में 25 जोड़ के यानी 125 और 100 से गुना प्रतिशत लिए, फॉर्मूला क्या है देखिए ना, वृद्धि बट्टा 100 प्लस वृद्धि अगुने 100, यही कमी बराबर फॉर्मूला है, कमी बराबर, ठीक है। ये फॉर्मूला देख लीजिएगा पार्ट 5, पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। 25 5 125 5 से कटेगा 20 बार में, यानी कि 20% आपका आंसर हो गया, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है, बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 68 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान दीजिएगा। एक क्रिकेट टीम ने एक वर्ष में कुल जितने मैच खेले उसका वह 40% जीत पाई, यदि उस टीम ने जितने मैच खेले उनका 50% वह हार गया तथा 20 मैच में ड्रॉ हो गए, तो उस टीम ने एक वर्ष में कितने मैच खेले। सब क्वेश्चन आसान है, भाषा के में केवल प्रॉब्लम है। देखिए दोस्तों, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होता है, चाहे वो किसी का आय हो कुछ भी हो, तो 100% मैच में भी, तो आप ही बताइए ना, 100% मैच हुआ जिसमें 40% में आप जीत गए, 50% में आप हार गए, तो बताइए 50 जीतिए गए, 50 हार गए, 50% 40 जीत गए, तो 90% तो हो गया, तो कितना बच गया 10%, यानी 10% मैच ड्रॉ हो गया है, 10% मैच ड्रॉ हो गया है, तो बस ड्रॉ की संख्या दिया है, तो चूंकि प्रतिशत में तो 10% मैच ड्रॉ हो गया, आज जबकि क्वेश्चन कहा है कि 20 मैच ड्रॉ हो गया, तो ये भी ड्रॉ वाला है और ये भी ड्रॉ वाला है, दोनों ड्रॉ वाला वैल्यू इसलिए बराबर, तो इसलिए 100% का वैल्यू निकाल दीजिए, 100% मैच खेला होगा मतलब 50 हारा 40 जीता और 10 ड्रो, 100% का मान निकलना है तो 20/10 और 100 का मान निकलना है तो 100 से गुना, 10 दहाई 100 और 20 दहाई होता है 200, यानी 200 मैच खेला वो आदमी, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया 200, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, इससे फास्ट ट्रिक क्या खोजिएगा। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सेबों की कीमत में 20% कमी हो जाने से शीला 160 रुपए में 48 सेब अधिक खरीद सकती है, तो सेबों का प्रति दर्जन घटा हुआ मूल्य मतलब घटा हुआ तथा पहले का मूल्य रुपए में है। देखिएगा इसका ट्रिक क्या है ध्यान दीजिएगा, एकदम कटप्पा ट्रिक है, ठीक है। देखिएगा नया दाम के लिए दोस्तों ट्रिक है, नया दाम कहिए या नया मूल्य मतलब घटने के बाद
या बढ़ने के बाद नए दाम लोग, अभी इसका 5 रुपये दाम है, 8 रुपये हो जाएगा तो 8 रुपये जो कहलाएगा वो नया दाम ना कहलाएगा, तो वही नया दाम पूछा है, अब पुराना दाम भी पूछा है, ठीक है। तो नया दाम निकालने का ट्रिक है, ठीक है, ट्रिक क्या है, रुपया अगुना प्रतिशत बट्टा में कम या अधिक, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन इसी टाइप से बनाइए, एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा। तो देखिए रुपया कितना दिया है इस क्वेश्चन में, 160 रुपया, तो 160 रुपया लिख लीजिए, गुना अब प्रतिशत कितना दिया है 20%, तो 20 यहां लिख लीजिए 20 अब प्रतिशत, ठीक है। और नीचे में कम या अधिक मतलब कितना कम या अधिक खरीदा है, तो कितना अधिक है देखिए यहाँ 48 गो सेब अधिक ले रहा है, देखिएगा 48 गो सेब, दर्जन के दाम पूछा है आपसे, दर्जन के दाम पूछा है, तो 48 गो सेब है कितना दर्जन, तो एक दर्जन में 12 से भाग दे दीजिए, 12 से 48, यानी 4 दर्जन हुआ, तो दर्जन से भाग दीजिए, 4 दर्जन 4 से भाग दे दिए, मतलब 4 दर्जन अधिक खरीदा है, 4 से भाग दे दिए, देखिए 1 0 2 0 2 0 से 2 0 कट गया, 4 चौके 16 और 4 दुना 8 8 आया, यानी नया दाम घटा हुआ दाम 8 रुपये प्रति दर्जन है, आपका आंसर हो गया 8 रुपये। तो ऑप्शन देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए में ही है, देखिए 8 रुपया, तो पहले किसके दाम पूछा है, नया दाम घटा हुआ दाम, तो घटा हुआ दाम 8 चला है, आप ऑप्शन नंबर ए मार दीजिए, लेकिन पुराना दाम भी पूछा है तो पुराना दाम 10 हो गया। ऑप्शन नंबर सी कहिएगा, इसमें भी तो 10 और 8 है, तो भैया इसमें पहले 10 है लेकिन पहले 8 होना चाहिए, क्योंकि पहले दाम नया पूछा है मतलब घटा हुआ दाम पूछा है, तो चलिए पुराना दाम निकाल लीजिए, मतलब पहले का दाम पुराना दाम लिखते हैं, पुराना दाम, तो क्या कीजिएगा पुराना दाम निकालने के लिए, जो नया का दाम रहेगा उसको लिख लीजिएगा, अब 20% मान दिया है ना, 20% कमी होने पर कि वृद्धि होने पर जो भी दे, कितना क्या वृद्धि दिया है सॉरी कमी दिया है, तो 20% का मान कितना होता है, 20 से कम 20 और 20 पैसा, मतलब 20 बटा 100 काटिएगा तो 20 से कम 20 पैसा है, आ कमी किया है ना तो घटा दीजिएगा, 5 में से 1 घटेगा 4 और बट्टा में 5 के 5। अब देखिए पुराना दाम, तो पुराना दाम पीछे होता है, लाभ नहीं पड़ चुका है, पुराना दाम पीछे होता है, तो पीछे जाना है ना तो इस होल वैल्यू का उल्टा गुना, जो घटा करने के बाद में ई होल वैल्यू कहलाता है, उल्टा करने का मतलब है कि 5 ऊपर और 4 नीचा, 4 दुनिया 8 और 5 दुना 10 रुपए, यानी पुराना दाम उसको 10 रुपए प्रति दर्जन था और नया का दाम 8 रुपए, यानी आपका आंसर तो हो गया 8 और 10, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, चलिए 70 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, चावल के मूल्य में 20% कमी होने से एक व्यक्ति 385 रुपए में 3.5 किलोग्राम चावल और खरीद लेता है, तब खरीद लेता है, चावल का प्रारंभिक मूल्य प्रति किलो क्या है, पीछे वाली दाम, प्रारंभिक मतलब पीछे वाली दाम, बताइए घटने के बाद ऐसा हुआ है, तो देखिए अभी बताए हैं नया दाम निकालने के लिए ट्रिक, नया दाम निकालने के लिए ट्रिक बताए हैं ना, रुपया गुने प्रतिशत अब बटा कम या अधिक, ठीक है। देखिएगा यहाँ रुपया कितना है 385, तो 385 लिख दिए, और कम या अधिक कितना है प्रतिशत, प्रतिशत वाला प्रतिशत 20 है, तो 20% 20% बट्टा में 100, कम या अधिक बट्टा में लिखना है, तो कितना अधिक खरीदा है 3.5 किलो चावल और खरीद सकता है, मतलब अधिक 3.5 kg, 3.5 बट्टा में लिख दीजिए, 20 5 100 5 से कटेगा 5 7 35 5 7 35 3 आ 3 पर 5 35 फिर 5 7 35, ठीक है। अब ध्यान दीजिए दशमलव हटाइएगा तो ऊपर में 1 0 पड़ेगा, 5 से कटेगा 7 बार में, फिर 5 से कटेगा 5 5 2 5 25 5 25 5 4 20, फिर 7 से काटिए इसको 7 2 14 7 2 14 यानी कि 22 रुपये प्रति केजी, 22 रुपये प्रति केजी, ये नया दाम है, आपसे भैया पुराना पूछा है तो बस पुराना निकाल लीजिए, पुराना दाम निकाल लीजिए, क्या कीजिएगा जो नया का दाम रहेगा उसको लिख लेना है, अब प्रतिशत वैल्यू को प्रतिशत का होल वैल्यू निकालिएगा, तो 20% कमी है, तो 20% का मान निकालिए, 20% का मान होता है 1/5, इस बार कमी है, इस बार उसमें भी कमी ही था, तो घटा दिए, कमी रहेगा तो घटा दीजिएगा, वृद्धि रहेगा तो जोड़ दीजिएगा, तो 5 में से 1 गया 4 अब बटा 5, अब पुराना दाम मतलब पीछे वाले दाम निकलना है, तो होल वैल्यू का उल्टा गुना, मतलब कि मतलब 5 ऊपर और 4 नीचा, ठीक है,
दो से कटेगा दो बार में, दो से कटेगा ग्यारह बार में, ग्यारह पचे पचपन बटा दो यानी कि सत्ताईस, साढ़े सत्ताईस रुपये प्रति के जी पुराना दाम है, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हुआ आपका आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। हाँ तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हुआ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन लेके। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।